तो देखिए पर्सनैलिटी टाइप्स पर डिस्कशन चल रहा है हमारा। अभी इससे पहले की क्लास में आपको मैंने बताया था, क्रैशमन ने चार प्रकार बताए हैं पर्सनैलिटी के, मेंटल डिसऑर्डर के आधार पर। ये जरूर लिखे हैं आप कि किस आधार पर बताए इन्होंने, मेंटल डिसऑर्डर के आधार पर। ठीक है, पूछा था कई बार एग्जाम में। मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? मतलब जब किसी का जो दिमाग होता है वो प्रॉपर काम कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता, उसको बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर। तो इसमें पिकनिक बताया मैंने आपको, एस्थेनिक बताया, एथलेटिक बताते बताते क्लास ओवर हो गई थी। तो एथलेटिक क्या होते हैं कि जो मतलब बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करने वाले होते हैं, जिम जाने वाले, योगा करने वाले, डांस करने वाले, है ना, ट्रैकिंग आप सुनो आजकल बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा साइकिलिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं लोग बाग, ये इस टाइप के लोग होते हैं। अब जो इंसान खूब सारा वर्कआउट कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसका शरीर तो फिट रहेगा, नहीं? इसके आप कहते हैं डिस, जी हाँ डिसप्लास्टिक आते हैं ये सन की, ऐसे कह सकते हैं। मतलब कि जो जिनका दिमाग खिलाने नहीं रहता है, कभी तो खुश रहते हैं, कभी अपने आप से गुस्से में आते हैं, मतलब इस टाइप के लोग जो आप पता ही नहीं लगा पाते हो कि इस इंसान का मूड कैसा रहेगा। ये लोग आपने अपने समाज में देखे होंगे ऐसे लोग, है ना, यस सर, यस सर। जरा सी बात में गुस्सा, जरा सी बात में खुश, इस टाइप के होते हैं, इनको हम डिस्प्लास्टिक के अंदर रखते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि ये अंदर से इनका जो हार्मोनल बैलेंस होता है बिगड़ा हुआ होता है बहुत ज्यादा, नहीं? चलिए नेक्स्ट टाइप लिखिए आप, शेल्डन लिखिए, अकॉर्डिंग टू शेल्डन विलियम, शेल्डन हिंदी में लिखिएगा इसको आप, शेल्डन के अनुसार। शेल्डन ने तीन प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, लिख लीजिएगा। इनमें से पहला है आपका एंडोमॉर्फिक। एंडो मतलब अंडा जैसा सुनाई दे रहा है ना हमको, क्यों क्यों, यानी अंडाकार। यस अब इसको अंडाकार बोलो और अंडा कैसा, तो गोल होता है लगभग, हालांकि गोल तो नहीं होता प्रॉपर, गोलाकार कह दीजिए इसको आप। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि कैसे याद रखना है, एंडोमॉर्फिक। सेकंड आपका है एक्टोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टो मतलब अकड़ा हुआ, है ना, ऐसे समझ लो उसको आप, यानी कि लंबाकार। अब कोई चीज जब लंबी होती तो पतली होती है ना, दुबली, आराम से पता ही होगा आपको, है ना, क्यों? कोई चीज लंबी होगी तो क्या होगी, अपने आप पतली हो जाएगी, जैसे आप कोई चीज आपके हाथ में उसको खींचोगे, जितना खींचोगे उतना वो पतला होते आएगा, ठीक है, तो इसको बोल दिया हमने लंबाकार। तीसरा आपका होता है मेसोमॉर्फिक, अब ये मेसोमॉर्फ मतलब क्या होता है? मापन। मेसोमॉर्फिक मतलब होता है जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है ना, देखो अब यहाँ पर ये भी देखिएगा, आपने क्रैशमर का पढ़ लिया तो वही है, एंडो मतलब वहां पर क्या आपका पिकनिक है, अच्छा हाँ ऐसे याद रखना, हाँ लिख सकते आप चाहें तो। और एक्टो मतलब क्या है आपका, हाँ पतला ऊपर जो लिखा था हमने ना उसके अकॉर्डिंग, दुबला। हाँ एस्थेनिक वाला है, हाँ जी सर, गतिला। अच्छा, ठीक। वो पता दुबला, ठीक है। मेजोमॉर्फ जो ऊपर लिखा है मैंने आप लोगों को क्रैशमर का, उसके अकॉर्डिंग ये एथलेटिक वाला है, ठीक है, ये गठिया प्रकार का, अंडाकार, लंबाकार, और इसका कुछ होता है कार के उसमें कुछ बोलते हैं, भूल रहा हूँ नाम इसका, सुडोल, ठीक है, सुडोलाकार बोलते हैं इसको, सुडोलाकार ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक। अब आपने ऊपर क्रैशमर के अनुसार जो पढ़े हैं ना वैसा ही कुछ इसका भी है, एंडोमॉर्फिक मतलब जो क्रैशमर के अकॉर्डिंग पिकनिक के अंदर आता है उसको हम एंडोमॉर्फिक कहते हैं, एक्टोमॉर्फिक जो क्रैशमर के अनुसार एस्थेनिक यानी दुबले पतले वाले में आता है उसको हम एक्टोमॉर्फिक बोल देते हैं शेल्डर के अकॉर्डिंग। मेसोमॉर्फिक, तो मेसोमॉर्फिक मतलब जो आपने पढ़ा एथलेटिक गठीले बनने वाले जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर हो गए। इसमें तीन ही प्रकार होते हैं, वहां चार प्रकार है, तो उसमें देखिएगा कि जो क्रैशमैन ने ये बताया है डिसप्लास्टिक, इसके अलावा बाकी तीन प्रकार यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है।
अब बात यह आती है कि जिस प्रकार से क्रैशमैन ने अपना जो ये वर्गीकरण है वो मेंटल डिसऑर्डर के आधार पर दिया है, तो इन्होंने किस आधार पर दिया है, इनका बेस क्या है? तो लिख लीजिएगा, शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकारों की व्याख्या शरीर के आकार, ये पूछा गया है प्रश्न बहुत बार, शरीर के आकार के आधार पर की है, शरीर के आकार के आधार पर की है, मतलब शरीर गोल है, शरीर लंबा है, शरीर दुबला है, ऐसा। क्रैशमैन ने तो की है मानसिक आधार पर और शेल्डन ने की है शरीर के आकार पर, ठीक है। इसे लंबाकार को एलटी के 2018 के एग्जाम में आयताकार बोला था उन्होंने, पूछा गया था ना ये, अब वो आयताकार लिख दिया उसने कंफ्यूज हो गए बच्चे, लेकिन जब उसको इंग्लिश में देखा तो एक्टोमॉर्फ लिखा हुआ था। तो इस तरीके से इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखने, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसका, हर एक चीज रटनी नहीं है, बस याद रखना है कि जैसे जैसे पिकनिक वाले मस्त मौला खुश रहने वाले है ना, बिना टेंशन के जिंदगी बिताने वाले होते हैं, तो वही एंडोमॉर्फिक भी हो गए आपके। ऐसे ही जैसे वो एस्थेनिक वाले होते दुबले पतले, अपनी बातें अपने तक रखते हैं, जिससे बोलते नहीं है, चिढ़ते रहते हैं, है ना, इसीलिए दुबले पतले रहते हैं, तो वही एक्टोमॉर्फिक हो गए आपके। मेसोमॉर्फिक जो लोग बहुत साहसिक कार्य करते हैं, शरीर का इन्वॉल्वमेंट जहां पर होता है, जैसे खेलना कूदना और ट्रैकिंग करना, डांस करना, ये सब कुछ, तो वो मेसोमॉर्फ हो गया। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसके बाद एक आता है, ये तो दोनों एक जैसे ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसकी। अब हम आते हैं सर, अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेंगे ना अकॉर्डिंग टू इनके, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें से वो प्रश्न कैसे पूछेगा, इसमें से वो प्रश्न पूछेगा आपसे कि मेसोमॉर्फिक व्यक्तित्व का एक प्रकार है जो कि डैश ने दिया है। अब डैश कौन है? शेल्डन, जुंग, क्रैशमैन, एक तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा वो, ठीक है ना। एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, बताइए शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं है, तो उसमें वो तीन ऑप्शन दे देगा जो है और एक दे देगा जो नहीं है। इसके अलावा अब वो प्रश्न पूछेगा थोड़ा डिटेल में, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है या आपने पढ़ा होगा पेपर में, कि अब जो सीटेट के एग्जाम होने वाले हैं उसमें थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो जब इस प्रकार के डीप क्वेश्चन पूछे जाते, तो वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक गुण या क्वालिटी मेसोमॉर्फिक की नहीं होती है। अब उस गुण उस क्वालिटी को आप रट तो नहीं सकते हो किताब से, ये तो आप लिख के ले लीजिए, लेकिन अगर आपने यहां समझ लिया है ना तो आप पहचान लेंगे। अब वहां पर बोलेगा कि मेसोमॉर्फ या मेसोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले लोग समाज के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, और आपको बताया गया है कि ये जो मेसोमॉर्फ होते हैं या जो एथलेटिक होते हैं, ये तो डांस करना और क्या बोलते हैं ट्रैकिंग करना, साइकिलिंग करना पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, इसका मतलब समाज के साथ रहना पसंद करते हैं ये लोग, नहीं क्यों? तो ऐसे आपको पहचानना होगा वहां पर, ठीक है। वो आपसे बोल देगा कि बताइए कि एस्थेनिक या दुबला पतला वाला जो है प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं उनमें कौन सा गुण नहीं पाया था। तो आपसे बोलेगा किस प्रकार के लोग अपने आप में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं अपने आप में, क्योंकि बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, जो बाहर नहीं जाएगा तो कहाँ रहेगा, अपने आप में तो रहेगा। दूसरा, इस प्रकार के लोग हर बात पर क्या बोलते हैं नकारात्मक सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं तभी तो घूमने नहीं जा रहे लोगों के साथ, सही है ना। इस प्रकार की बातें वो आपसे करेगा कि जो किताबों में तो कम से कम नहीं मिलने वाली आपको। अब वो मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, वो जिस प्रकार के हम डिस्कशन करते हैं क्लासेस में अपने, उन डिस्कशन में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और समझा है हर एक बात को, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसीलिए आप नोटिस कीजिएगा कि मैं इसमें आपको बहुत डिटेल नहीं लिखा रहा हूँ, बस छोटा मोटा लिखवा दिया मैंने आप लोगों को कि खुश रहने वाले होते हैं और दुखी रहने वाले होते हैं, इस टाइप से ना, बहुत डिटेल इसमें आपको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, वो रट के कोई फायदा नहीं होता। अब लिखिए आप जुंग के अनुसार, लिखिएगा जुंग के अनुसार। अब ये जुंग कौन आ गया भाई, ठीक है, तो याद रखिएगा जुंग जो है ये बहुत फेमस नेम है, ठीक
ठीक है, और ये है आपका मनो विश्लेषणवादी, ठीक है ना। और मनोविश्लेषणवाद किसने दिया है आपका, फ्राइड ने दिया है। कड़ियां जोड़ते हुए चलिएगा तो जल्दी याद रहेगा। पहला प्रकार इन्होंने दिया है आपका, बताओ क्या दिया है, पढ़ा तो होता ही आप लोगों ने, एक्स्ट्रोवर्ट, याद है नहीं है, बताइए। यस, वेरी गुड। तो एक्स्ट्रावर्ट, दूसरा को आएगा आपका इंट्रोवर्ट, और तीसरा आपका एम्बिवर्ट। अब ध्यान में रखना है एक्स्ट्रावर्ट होता है, हिंदी में लिखिएगा इसको आप बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट होता है आपका अंतर्मुखी। एम्बिवर्ट आपका होता है उभयमुखी। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुंग ने सिर्फ ये दो प्रकार दिए थे, एक्स्ट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट तो बाद में दिया गया, ये आप याद रखिए। जुंग ने सिर्फ दो प्रकार दिए थे, एक्स्ट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट बाद में दिया गया। अब ये एक्स्ट्रावर्ट क्या होते हैं, जो हर किसी से बोलने वाले होते हैं, रास्ते में चल रहे हैं, किसी ऑटो में बैठे, वहां दो लोग बैठे उनको जानते नहीं है, इनने बोलना शुरू कर दिया। कई ऐसे आइटम देखे होंगे आपने बस में सफर करते हुए या फिर कहीं जाते हुए, है ना, जिसको आप जानते भी नहीं हो, आपके गले पड़ना शुरू हो जाएगा, अरे भाई साहब कहाँ से आए हो, क्या हो, कि वो मेरा भी यहाँ कोई रिश्तेदार रहता है, वो देखे आपने ऐसे लोग कोई, क्यों? हाँ जी सर, हाँ ठीक है ना। स्पेशली जो आपकी मार्केटिंग वाले होते हैं वो तो पक्का ऐसे मिलेंगे आपको, माना आपके घर में कोई आ गया किताब बेचने के लिए, और बहन जी कहाँ घर है, आपने जरा चाय पिला कर दो बातें कर दी उसने, फिर वो उन दो बातों से आपका अपना बन जाएगा, ये समझ लीजिए ऐसे होते हैं, वो सबसे बोलना चाहना। इंट्रोवर्ट किसी से नहीं बोलते, ये सबसे बोलते हैं, ये किसे बोलते हैं, काम के रहते हैं सर, बिल्कुल। अब जैसे क्या होगा ना, इसको ऐसे समझिए, एक मार्केटिंग वाला आया आपके घर में, ठीक है, ये आपको जानता नहीं लेकिन आपसे ऐसी बात करेगा जैसे कि मतलब आप तो कब से जानते हो इसको, क्वालिटी होती है इनके अंदर, ऐसी होता नहीं होता है, आप चाहोगे कि आपसे ये बाहर चले आए, आप चाहोगे कि अंदर ना आए, लेकिन ये बस घुसा जाएगा अंदर को आपके, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे इंसान की बेइज्जती कर दो, कुछ कर दो, ये नहीं मतलब ये लगा रहेगा आपसे बोलने में, ठीक है, ऐसे होते हैं लोग। अंतर्मुखी कौन होते हैं, जैसे अभी मान लीजिए आप डॉक्टर है कोई, उतना ही बोल रहा है, इतना काम का है उसका, बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है, ऐसे लोग, या इस केस में आप ही अंतर्मुखी हो गए, क्यों, आपने कई लोग देखे होंगे अपने साथ में कि आप कहते हैं कुछ भी बात करेंगे उनसे आप, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, आप कहेंगे अरे घूमने चल रहा ना, मैं नहीं आ रहा, और आशिक का क्या पढ़ाई हो रही है, वो बोलेगा नहीं आपसे, तब कई लोग ऐसे होते हैं, होते नहीं होते ऐसे, ठीक, तो जिनके सगल से पता चल जाता है आपको ये आपको ज्यादा वैल्यू देने वाला नहीं है, तो ये होते हैं इंट्रोवर्ट। या तो इंसान बहुत ही बोलता है, हर किससे बोलता है, या इंसान मतलब किससे बोलता ही नहीं है, दो कैटेगरी इन्होंने बनाई, लेकिन बाद में लोगों ने देखा उन्होंने यार कि ऐसा तो जरूरी नहीं है, है ना, बहुत बोलने वाला भी अच्छा नहीं होता और बिल्कुल ना बोलने वाला भी अच्छा नहीं होता। तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, ये बंदा देखो एनपीसी पढ़ा होगा आप लोगों ने बीएड के दौरान, ऐसे बनाते हैं हम एनपीसी को, ये एनपीसी का कर्व बनता है, ये होता है एक एवरेज इंसान, ठीक है। तो ये जो एवरेज इंसान है, ये समझ लीजिए कि 100 में से लगभग 80% जो इंसान होता है वो ना तो इस कैटेगरी में होता है ना इस कैटेगरी में होता है, मतलब तो ये 80% इंसान जो है वो ना ऐसा होगा जो हर किसी से बात करता हो, और ना ही ऐसा होगा जो किसी से बात करता ना हो, आप ही लोग है ना, है ना, आप में से मैक्सिमम ऐसे होंगे जो बात भी करते हैं सबसे और जबरदस्ती गले भी नहीं पड़ते किसी के, कोई बात कर रहा आपसे ठीक है बात करेंगे, आप खूब मस्ती करेंगे बात करेंगे, जो आपसे बात नहीं कर रहा आप उससे ज्यादा बात करेंगे भी नहीं, ये तो होता है ना, क्यों जी सर। तो ऐसे लोगों के लिए कैटेगरी जो होती है वो होती है एम्बिवर्ट, ठीक है, ऐसे लोग जो ना तो बहुत ज्यादा किसी से बात करते हैं और ना ही बिल्कुल अपने आप में रहते हैं,
तो लिख लीजिएगा आप इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो समझ गए आप, अब लिखिए उभयमुखी एम्बिवर्ट के अंदर। ऐसे व्यक्ति जो ना तो बहुत ज्यादा समाज में घुले मिले रहते हैं, जो ना तो बहुत ज्यादा समाज में घुले मिले रहते हैं और ना ही समाज से बिल्कुल कटे रहते हैं, ना ही समाज से बिल्कुल कटे रहते हैं, ठीक है। ये लोग आवश्यकता अनुरूप सामाजिक होते हैं, ठीक है, ये लोग आवश्यकता अनुरूप सामाजिक होते हैं, इतना लिखेगी हो गया आपका, ठीक है, लिखा आप लोगों ने। यस सर। हाँ, अब आप ये समझिएगा जो आपने तीनों लिखे, अब इन तीनों को मैं एक साथ मिला देता हूं। जो है पिकनिक, यहां मैं लिख के बनाता हूँ इसका ग्राफ, एक अच्छा सा बढ़िया सा आप लोगों को समझने के लिए। ऐसे ग्राफ बनाइएगा आप, यहां पे लिखिएगा आप टाइप, ठीक है, यहां पे लिखिए आप टाइप और यहां पे लिखिए आप साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे यहां पे लिखा आपने टाइप लिखा, यहां पे लिखे पहला, ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा और स्पेस चाहिए, देखो। अब अपने हिसाब से बना लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ना। टाइप क्या है आपका, सबसे लिखा आपने यहाँ पर एक्ट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ठीक है, जैसे क्रैशमर ने दिया है आपका, के फॉर क्रैशमर, एस फॉर शेल्डन, ठीक है, और जे फॉर जून, समझ में आ गया, हेलो। तो यस सर। हाँ, अब यहाँ पर देखो क्रैशमर के अकॉर्डिंग क्या है आपका, पिकनिक, अपने साथ तो बनाइएगा इसको। हाँ, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूं आपको, पिकनिक जून के अनुसार क्या हो गया वो आपका बताओ, एक्स्ट्रा वर्ड हो गया है ना, और शेल के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, वो एंडोमोर, पठीला, एंडोमोर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही सेकंड टाइप की जब हम बात की तो हमने क्रैशमर के अकॉर्डिंग क्या हो गया पिकनिक के बाद बताओ, एस्थेनिक, हाँ वेरी गुड। जूम के अनुसार क्या हो गया एस्थेनिक वाला बताओ, इंट्रोवर्ट, और शेल के अनुसार क्या हो गया आपको, एक्टोमॉर्फिक। ऐसे ही थर्ड में बात की हमने तो क्रैशमर के अकॉर्डिंग क्या हो गया वो थर्ड वाला बोलो, एथलेटिक, जूम के अनुसार एम्बिवर्ट, एम्बिवर्ट, और शेल के अनुसार क्या हो गया वो बोलो, मेसोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, इस तरीके से आप बना लीजिए तो आपको याद रहेगा हमेशा। मतलब इसका ये हो गया कि जो पिकनिक एक्स्ट्रोवर्ट और एंडोमॉर्फ है ये एक ही है, एस्थेनिक इंट्रोवर्ट और एक्टोमॉर्फ एक ही है, एस्थेटिक एम्बिवर्ट और मेसोमॉर्फ एक ही है, बाकी क्रैशमर ने एक और दिया है वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आप याद रखेंगे डाइजेस्ट प्लास्टिक करके, समझ में आ रहा है ये, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसको आप अच्छे से करिए और जो काम आपको दिए हैं मैंने उन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो इंग्लिश वाले जो है उनको कंप्लीट करना है आपने, ठीक है, बाय टाइम, राइट। तो अभी मैं इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ, जिसका जो डाउट है वो पूछने के लिए रुके रहें।